जो हर चुन हर चरण के बाद जो पोस्ट पोल एनालिसिस होता है जब मैं महाराष्ट्र का देख रहा था उसमें एक चीज निकल के आई वो शायद ये कि आपने एक शिंदे की सेना को उनकी राजनीतिक हैसियत के ज्यादा सीटें दे, दे दी कि इस एनडीए में कमजोर कड़ी अगर कोई साबित होने वाली है तो वो एक नाथ शिंदे की सेना है इसको आप कैसे देखते हैं जो हमारा जो पोस्ट पोल ट्रेंड हमें समझा रहा है जो हमें देखने में आ रहा है कि कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं वो साबित हो रहे हैं आपके देखिए क्या होता है ना कि किसी की हैसियत न्यूज रूम में बैठकर तय नहीं होती है, हैसियत तो जनता के मन में तय होती है और आप देख लीजिए शिंदे जी की जो शिवसेना है आप लोगों के जो आंकड़े उसको तोड़कर आगे चली जाएगी और जब ये कंपैरिजन होगा उद्धव जी की सेना और शिंदे जी की सेना तो उद्धव जी की सेना से कई गुना आगे आपको शिंदे जी की सेना ऐसा है नहीं। पुलिंग लेस जो सामने आ रहे, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो उतना पंच नहीं कर पा रहे कि मतलब जितनी उनकी आक्षुल रियालिटी आक्षुल उससे आपने उनको दे। नहीं, मुझे नहीं लगता है मन तो आपको भी ऐसा ही लगता है बोलेंगे नहीं लेकिन नहीं, मन लगने का सवाल ही नहीं है देखिए जहां तक हमारा सवाल है मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको तीस सीटें मिले हमको अट्ठाईस सीटें मिली है तो ऐसा कोई हम लोग पैंतीस चाहते थे मैंने साफ चौधों में कहा था ये तीस सीटें बीजेपी ने लड़नी चाहिए हम लोग अट्ठाईस सीटें लड़ रहे हैं अभी तीसरी पार्टी भी एक हमारे साथ आ गई राष्ट्रवादी उनको पांच सीटें दी है और करीब पंद्रह सीटें जो है वो शिवसेना लड़ रही है मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ तेरह तो एमपी आए थे तो तेरह सीटों का तो किसी भी हालत में उनका हक बनता था और उनको पंद्रह सीटें मिली है दो सीटें ज्यादा मिली है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको सीटें मिली है और मुझे मैं जो चुनाव को देख पा रहा हूं उसमें वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा क्योंकि बीजेपी शिवसेना यानी जो शिंदे जी की शिवसेना है अजित जी की जो एनसीपी है और मनसे ऐसा मिलाकर हमारा कॉम्बिनेशन काफी फॉर्मेटेबल कॉम्बिनेशन लेकिन ये एनालिसिस इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि कई जगह पर यह दिख रहा है कि आ, उनकी तरफ से आपको जो वोट ट्रांसफर की अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही इसके लिए उनको सीटें छोड़कर आप जो वोट्स पुल कर सकते हैं वो उनके साथ में खड़े करें यानी मुंबई में आप चार से पांच सीटें लड़ने की कोशिश में थे आपको तीन ही सीटें लड़नी पड़ रही है उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे आखिर तक उन्होंने कैंडिडेट ढूंढने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था मराठवाड़ा की सीटों पर भी उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा था तो इसका मतलब यह कि कहीं कहीं ना कही वो तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए उनको भी पता चल रहा था कि वो कमजोर कड़ी है और आपके चक्कर में मतलब आपको उनको पुल करना पड़ रहा है इस इलेक्शन में मेरा ऐसा मानना नहीं है कैंडिडेट उनके पास थे हाँ ये जरूर है कि कई बार ये प्रश्न किसी के सामने आता है कि इसको दे चाहे इसको दे तो उनके यहां भी तीन चार नाम तीन चार नाम चल रहे थे आखिर में उन्होंने उसका निर्णय किया किसको देना है और उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी में नहीं थे या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे ऐसी परिस्थिति नहीं थी उल्टा मैं ये कहता हूं कि कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट्स थे उनके पास इसलिए उनको समय लगा